जय हिंद साथियों, आज के वीडियो में अपन बात करेंगे कश्मीरी पंडितों के पलायन के बारे में। इनका कैसे पलायन हुआ कश्मीरी पंडितों का, कश्मीर के रहने वाले पंडित, और ये पंडित अपने ही देश में अपनी ही जगह पर ये 30 साल से शरणार्थी की तरह रह रहे हैं। कैसे रह रहे हैं? शरणार्थी की तरह रह रहे हैं। इनका हाल बेहाल है और इनकी कोई खैर खबर लेने वाला नहीं है। इनके साथ जो अत्याचार हुए हैं, इनका कोई कुछ करने वाला नहीं था। ऐसी स्थिति हमारे देश में जो आज़ाद हुए कितना समय हो गया है, 70 से 80 साल हो गए हैं, फिर भी हालात हमारे कश्मीरी पंडितों की इतनी खराब क्यों है? आखिरकार क्या है ऐसा वजूद जिसकी वजह से हमारे कश्मीरी पंडितों का ये हाल है अभी भी? इस पूरे पलायन एक्सोडस के बारे में अपन देखते हैं, कश्मीर में क्या हुआ, आखिरकार था क्या, क्या हुआ उसको अपन देखेंगे। बात करें वोट बैंकिंग की तो दोस्तों, कश्मीर में केवल उन्हीं के लिए काम किया जा रहा था। वहां की स्थानीय गवर्नमेंटों ने केवल उन्हीं के लिए काम किया जो उनका वोट बैंक था, और जो वोट बैंक नहीं था, कम संख्या में थे ये कश्मीरी पंडित, इनकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया और इनके ऊपर अत्याचार होने लगे। जब वहाँ रैलियाँ निकाली जाती थी तो साइड में जितने रैली निकालने वाले होते थे, उसके साइड में जो भी कश्मीरी पंडित बहन बेटियाँ कोई भी दिखता था उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। लोगों को वहाँ से उठा कर ले जाया करते थे, उनके साथ में अत्याचार करते थे, उनसे मजदूरी करवाते थे, उनको बाहर टेंट में रहने के लिए मजबूर कर देते थे, उनके घर छोड़ने पे मजबूर कर देते थे। साइड में एक मकान है, इधर एक मकान है, बीच में कोई पंडित है तो वो पंडित घर छोड़ने पर मजबूर हो जाता था। ऐसी स्थिति कश्मीर में बनी हुई थी और ये हालात बद से बदतर होते चले गए। 1983 से 90 का समय तो ऐसा खतरनाक था इन कश्मीरी पंडितों के लिए कि इनको जगह छोड़ने के अलावा कुछ बचा ही नहीं था। फिर ये उस जगह को छोड़कर जाते तो अपने सब कुछ छोड़कर चले जाते। उनकी हालत इतनी खराब थी कि वो अपने गहने तक भी नहीं ले जाते थे। जब घर छोड़ के जाते थे तो अपनी जान बचा के भगते थे। ऐसी स्थिति, ऐसा माहौल हमारे भारत देश में बना हुआ था। हालांकि अब स्थितियां बहुत सुधरी हैं, लेकिन उन पर पुरानी चीजों पर चर्चा करना बहुत बेहद जरूरी है। अब अपन चलते हैं 800 साल पहले। 800 साल पहले कश्मीर में ज्यादातर पंडित रहा करते थे। कौन रहा करते थे? ज्यादातर पंडित रहा करते थे 800 साल पहले। फिर उसके बाद में अफगानी आए, कजाकिस्तान वाले आए, तैमूर आए, और ये सब आए। फिर उसके बाद में मुस्लिम जो बाबर है ये आए। तो ये आकर, ये थोड़े से पंडित हैं जो थोड़े से सॉफ्ट हार्टेड रहते हैं, वो किसी के साथ अहिंसा पर ध्यान नहीं देते हैं। पंडित हैं जो वो हिंसा पर ध्यान नहीं देते, हिंसा अहिंसा ही रखते हैं। वो इस तरह से रखते हैं कि हाँ, अगर कोई हमारे पास शरणार्थी आया है तो हम उसको थोड़ी सी जगह दे देते हैं रहने के लिए, और वो उसको रखते थे। बाकायदा ये कल्चर है, हिंदू कल्चर की ऐसा पहले से ही ट्रेडिशंस है। और कश्मीर में तो बहुत ही उच्च क्वालिटी के पंडित रहा करते थे, तो ये अहिंसा को परमो धर्म मानते थे और ये किसी को परेशान नहीं करते थे। और इनका थोड़ा सा ये भी था कि ये किसी तरह से अविकसित नहीं थे, ये संपन्न थे, ये कश्मीरी पंडित संपन्न थे। तो इन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे जो भी शरणार्थी बाहर से आए, दंगई आए, वो वहाँ सेटल होने लग गए। तो जैसे ही उनकी दरिद्र हालत देखते थे ये लोग, तो क्या करते थे, उनको वहाँ सेटल करवा देते थे। कहाँ पर सेटल करवा देते थे? कश्मीर में ही रखवा देते थे। जब वो कश्मीर में रहने लग गए तो धीरे 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 इन 700-800 सालों में, कितने सालों में, 700-800 सालों में हालात ये बन गए कि जो बाहुल्य पंडितों का था वहाँ पर कश्मीर में, आज उनकी हालत खराब थी। वहाँ पर दूसरी कम्युनिटी जैसे मुस्लिम हैं और अदर्स हैं, ये कम्युनिटी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। और ये कुछ लोग बाहर से आए थे, इनमें से कुछ लोग दंगई ज़्यादा थे, ये बेरहमी से अपना काम करते थे, ये बिल्कुल बंदूक की नोक पर अपना चलाते थे।
इससे क्या होता था कि वहां पर भय फैल गया था और कुछ पंडितों के लिए तो बिल्कुल हालत खराब थे। अब ऐसी स्थिति में जब बाहुल्य क्षेत्र जहां का होता है तो गवर्नमेंट वहां की उस बाहुल्य क्षेत्र की, क्योंकि अपने वोट बैंक को दरकिनार नहीं कर सकती, ऐसी स्थिति में ये धीरे 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 इन कश्मीरी पंडितों की ये हालत थी कि किसी कॉलोनी में 5 घर कश्मीरी पंडितों के अगर बचे हुए हैं तो उनको घर छोड़कर भागना पड़ता था। वो नहीं रह सकते थे, उनके साथ अत्याचार होता था, उनकी महिलाओं के साथ अत्याचार होता था, उनकी बहन बेटियों के साथ छेड़खानियां होती थी, उनके लोगों को पीटा जाता था, बेरहमी से पीटा जाता था। ये हकीकत है, हकीकत यही है। अब इसको अपन किसी एंगल से जोड़ के देखें कि ये गवर्नमेंट की गलती है या हमारे पॉलिसी मेकर्स की गलती है, ऐसा नहीं है। कुछ नियंत्रण जो कंट्रोल्स हैं वो इस तरह के हो नहीं पाए और स्थितियां थोड़ी बदत से बदतर होती चली गई और ये कश्मीरी पंडित अपनी अपनी जगह छोड़कर बाहर जहां पर रिफ्यूजी टेंट्स हैं उनमें रहना शुरू कर दिया इन्होंने, क्योंकि वहां पर उनकी जान असुरक्षित थी। और ये धीरे धीरे एक के बाद एक ऐसे इंसिडेंट होते ही जा रहे थे, होते ही जा रहे थे। और ये स्थिति बहुत दर्दनाक थी कश्मीरी पंडितों के लिए। उस समय जब गवर्नमेंट रहती थी वो सेपरेटिस्ट के साथ में, गवर्नमेंट के जो लोग रहते थे, चाहे सीएम हो और चाहे वहाँ का कोई मिनिस्टर हो, चाहे वहाँ का कोई एमएलए हो, जब वो सेपरेटिस्ट के साथ में बात करता था वहाँ पर बाहुल्य बढ़ता जा रहा था, क्योंकि इनको बाहर से फंडिंग भी मिल रही थी। और ये फंडिंग है ना, ये गजब का काम कर रही थी, क्योंकि उनके पास में पैसा होता था और जो इस तरह का काम करते थे वो पैसा होता था, तो वो दिखने में भी बहुत अलग से दिखते थे और उन कॉन्फिडेंस उनका लेवल अच्छा रहता था और उनको बैकअप भी मिलता था, साथ में गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती थी क्योंकि पैसा आता है तो वो चुनावी उसमें भी देते थे। तो इसकी वजह से चारों तरफ केवल सेपरेटिस्ट का ही माहौल था और ये सेपरेटिस्ट केवल और केवल अत्याचार करते थे कश्मीरी पंडितों पर, और उसकी वजह से कश्मीरी पंडितों का हाल बहुत ही खराब हो जाता था। जब वहां की गवर्नमेंट का कोई मिनिस्टर है या कोई सीएम है वो दिल्ली आता था और दिल्ली का कोई अच्छा आदमी जो कश्मीरी पंडितों के बारे में मतलब बात करता है, उस उनके बारे में कहता है कि आप कश्मीरी पंडितों के साथ में थोड़ा सा उनका ध्यान दीजिए, तो वो कहते हैं कि हम कश्मीरी पंडितों के साथ बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो आए हैं उनको हम टेंट लगवा रहे हैं, उनको राशन पहुंचवा रहे हैं। ये तो बहुत ही मतलब एक उसके आदमी के घर से निकलवा दिया, आपने वापस घर दिलवाया नहीं, उनकी सिक्योरिटी पर कुछ किया नहीं, और आप बात कर रहे हो कि कश्मीरी पंडितों को हमने टेंट में रखवाया है और उनके खाने के लिए राशन पहुंचवाया है। राशन भी रेगुलर अगर नहीं पहुंचाया, कभी कभी पहुंच गया, तो उसको भी आप अच्छे तरीके से डिफाइन कर रहे हो। ये तो बिल्कुल ही अत्याचार वाली बात थी। और गवर्नमेंट जब सेपरेटिस्ट के साथ में वही लोग जो यहाँ ऐसी बातें कर रहे हैं, कश्मीरी पंडितों के हक की बात कर रहे हैं, वो ही जब सेपरेटिस्ट के साथ में बात करते थे, और सेपरेटिस्ट एक तरह से आतंकवादियों का एक समूह जैसा ही था, क्योंकि उसको फंडिंग चाइना और पाकिस्तान से लगातार हो रही थी। पाकिस्तान तो चाहता था कि सेपरेटिस्ट हमारे साथ में आ जाएं तो हमारा तो कश्मीर हमारे साथ हो ही जाएगा और हमें बहुत बड़ा बेनिफिट मिल जाएगा पाकिस्तान को। ऐसी स्थिति में ये सारे सेपरेटिस्ट क्या करते थे, गवर्नमेंट के साथ मिलते थे, उनके चुनावी फंडों में वो काम करते थे, इनके काम करते थे, और साथ में इनको सेपरेटिस्ट वोट दिलवाने में मदद करते थे। सो हर तरह से माहौल केवल ज्यादा सेपरेटिस्ट का ही हो गया था। और इसमें ज्यादा इन्वॉल्वमेंट, ज्यादा क्या, पूरा का पूरा इन्वॉल्वमेंट मुस्लिम कम्युनिटी का ही, लोगों का ही था। हाँ, जब घर में अपने बाल्टी में या समुद्र में एक मछली गंदा होती है तो पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ये हमने सब जगह सुना है। और यही हालात था, चारों तरफ यही था कि इन पंडितों। और जब 1981 के सेंसस हुई तो इनकी संख्या है वो मात्र 4.4% पर आ गई थी। कश्मीरी पंडितों की जनसंख्या है वो 4.4% पे आ गई थी। और ये आप सोचो कि 1300 के आसपास वहां पर केवल और केवल हिंदू ही थे, केवल केवल पंडित ही थे, और आज वहां पर जनसंख्या केवल 4.4 थी। या तो किसी को बलात् चेंज करवा दिया गया, जब मुस्लिम आक्रांता पश्चिम से आए तो इन्होंने जबरदस्ती मुस्लिम में कन्वर्ट कर दिया, बचे कुचे थे वो डर के मारे कन्वर्ट हो गए क्योंकि यहाँ माहौल ही पूरा वैसा ही था।
तो इस ऐसी स्थितियां बन गई। तो इससे क्या है कि ये कश्मीरी पंडितों के साथ में अत्याचार ज्यादा ही होने लग गया। और आपको सेपरेटिस्ट की फोटो दिख रही है, कितने बलिष्ठ और ये अच्छा दिखने में कैसे लग रहे हैं, लोग इनसे इंप्रेस हो जाते हैं और इनकी लाइफ, इनको लगता है कि हाँ ये साबित करते हैं कि हमारे से बड़ा कोई भी नहीं है। इस तरह का वहाँ एक माहौल बनाया जाता था जिससे सब इनके पीछे चल लेते थे, पूरा मुस्लिम कम्युनिटी इनके पीछे हो लेता था। जब ये किसी के साथ अत्याचार कर रहे हैं तो पड़ोस वाला मुस्लिम भाई बहन भी उस पड़ोसी की मदद नहीं करता था कि ये इनके साथ में अत्याचार कर रहे हैं तो अपन इसको इसको बचा लें, नहीं, वो वहां पर गोलियां चलाते थे अच्छे तरीके से। और गवर्नमेंट उनको हथियारों की सप्लाई गवर्नमेंट भी करती थी और इनको पाकिस्तान और चाइना से भी इनको हथियार मिलते थे। तो ये बहुत ही दर्दनाक स्थिति इन पंडितों के साथ में थी। कहां पर? कश्मीर में। केंद्र सरकार में 1947 से लेकर 90 तक कांग्रेस की सरकार थी। ऐसे में वहां पर जो नेशनल पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी थी, फारूक अब्दुल्ला की पार्टी, तो ये फारूक अब्दुल्ला अपने हिसाब से काम करते थे, तो ये फारूक अब्दुल्ला नहीं मानते थे। तो कांग्रेस ने यहां से क्या किया, उनके ही पार्टी के और उनके रिश्तेदार महमूद अब्दुल्ला को अलग करके दोबारा से एक दूसरी पार्टी बनवाकर, अवामी लीग बनवाकर, उनसे क्या किया, पैक्ट करके वहां पर उसकी सरकार बना दी। लेकिन जैसे ही सरकार बनाई तो ये इन्होंने बिल्कुल सबका, सेपरेटिस्ट का समर्थन करना शुरू कर दिया। यहाँ पर सेपरेटिस्ट की तीन वो हैं, एक तो है JKLF, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट। अब जब ये जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की बात करें तो ये लिबरेशन फ्रंट कहता है कि ना तो हम पाकिस्तान के जाएंगे साथ जाएंगे और ना हम इंडिया के साथ जाएंगे, हम एक सेपरेट देश बनाएंगे, अलग से देश बनाएंगे। ये केवल ऐसा सोचते हैं, देश बनाएंगे और हम वहाँ के प्रधानमंत्री बनेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे, इस तरह से वो केवल सपने देखते हैं। उनके पास में हकीकत में कुछ है नहीं, ना तो उनके पास कोई सोर्स है कि वो कैसे बनाएंगे और एक लैंडलॉक्ड कंट्री को कैसे मैनेज करेंगे, सारी चीज़ें उनको कुछ भी पता नहीं है। वो केवल सेपरेटिस्ट, क्योंकि उनको फंडिंग बाहर से मिल रही थी लगातार, तो वो कैपेबल थे ये सब बोलने के लिए। और अगर वो बोलेंगे नहीं और ये सब करेंगे नहीं तो उनकी फंडिंग मिलना बंद हो जाएगी, इसलिए वो जोर शोर से बोलते थे कि हम बिल्कुल अलग रहेंगे। ये तो था JKLF का। दूसरा एक संगठन सेपरेटिस्ट का था हिजबुल मुजाहिदीन, और हिजबुल मुजाहिदीन वाले, इनको टोटली सपोर्ट, पैसा, हथियार, सब कुछ इनको अनाप शनाप तरीके से पाकिस्तान से भेजता था। और इसने पाकिस्तान ने ही इस गुट को बहुत ज़्यादा सक्रिय किया, खूब सारी मात्रा में पैसे दिए, खूब सारी मात्रा में इनको हथियार दिए, गोला बारूद सब कुछ दिया। और इन्होंने गुट बनाकर पूरा कि हम पाकिस्तान के साथ मिलेंगे और पूरे कश्मीर में तबाहियां मचाई। जो भी हिंदू कम्युनिटी थी, पंडित हो या कोई और हो, सबको ये क्या करते थे। 1986 में गवर्नमेंट ने, कांग्रेस गवर्नमेंट ने क्या किया, बाबरी मस्जिद का ताला खोल दिया। और वहां पर जाकर ताला खोलकर हिंदुओं को एक जगह कॉर्नर कॉर्नर दे दिया गया कि आप यहाँ पर भगवान राम की पूजा कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में वहाँ खोल दिया गया, ये जरूरी था क्योंकि कांग्रेस ने बहुत सारे काम इस तरह के करे थे कि वो मुस्लिम कौम को खुश कर रहे थे लगातार, इनके चाहे मस्जिद में हो और चाहे हर जगह हो। तो ये वोट बैंक को बनाने के लिए कांग्रेस ने इसके ताले खोल दिए बाबरी मस्जिद के, ऐसी स्थितियां बनाई। अब जो मोहम्मद था, जो फारूक अब्दुल्ला की पार्टी से अलग हुआ था, उसने क्या किया, उसने पूरी तरह से, वहाँ पर मेजोरिटी मुस्लिम कम्युनिटी की थी तो वो अगेंस्ट गए हिंदू कम्युनिटी के, ज़्यादा संख्या में अगेंस्ट गए, तो इसका नुकसान, इसका फायदा होने वाला था उनको, क्योंकि वो पूरी तरह से मस्जिद और इन सब चीज़ों पर ध्यान दे रहे थे और पॉलिटिकली इस तरह का चीज़ें कर रहे थे जिससे मुस्लिम कम्युनिटी उनका साथ दे और उस पार्टी से खुश रहे, मुस्लिमों को खुश रखने का हर एक प्रयत्न कर रहे थे। उन्होंने सचिवालय के पास में मंदिर था, उस मंदिर को तुड़वा दिया और उन्होंने क्या बोला कि यहाँ पर मस्जिद बनेगी और भव्य मस्जिद बनेगी और उस तरह की मस्जिद भी बनाएगी। इसलिए जो कम संख्या में पंडित थे उन्होंने उसका
ऑब्जेक्शन भी किया, लेकिन उनके ऑब्जेक्शन पर ध्यान नहीं दिया गया और उनको अरेस्ट कर लिया गया और उनके विरुद्ध कार्यवाहियां की गई, जबकि वहां पर मंदिर ही होना चाहिए था जो पहले से बना रहा था। तो ये हालात और भी टिपिकल हो गए। जब इस तरह की चीजें होने लग गई तो वहां पर जितने भी कश्मीरी पंडित थे उनके साथ अत्याचार लगातार बढ़ने लग गया। जो कोई मुस्लिम किसी हिंदू पंडित के साथ अत्याचार करता था तो उस पर कोई केस नहीं बनता था, जबकि कोई छोटा मोटा अगर हिंदू का कोई केस आ जाता था तो उसको अरेस्ट कर लिया जाता था, उसको जेल में डाल दिया जाता था। तो गवर्नमेंट भी हमेशा उसके साथ में, कोर्ट भी उसके साथ में, और वहां पर स्थितियां कश्मीरी पंडितों के अगेंस्ट बनती ही चली गई, बनती ही चली गई। कश्मीर में जगमोहन जी को राज्यपाल बनाया गया, और ये साहिबा जो बाद में मारी भी गई, ये आपको दिख रही है ना, इन्होंने बोला, इन्होंने धमकी किसको दी? भारत के प्रधानमंत्री को नहीं दी, भारत के राष्ट्रपति को धमकी नहीं दी, जबकि इन्होंने जगमोहन जी को धमकी दी। और दूसरी चीज, फारूक अब्दुल्ला ने टाइम्स ऑफ इंडिया की स्टेटमेंट में भी बोला, क्या बोला, कि हमारे यहाँ से लोग पाकिस्तान में जाकर ट्रेनिंग लेकर आते हैं और उनके साथ में गोला बारूद और हथियार भी लेकर आते हैं, ऐसा इन्होंने भी बताया, ये भी स्वीकार करे। तो मतलब जगमोहन रेड्डी नहीं थे, जगमोहन जी जो थे राज्यपाल, ये कश्मीरी पंडितों के भले के लिए कुछ करना चाहते थे, लेकिन ये चारों तरफ से इनको हटाकर, मतलब इनके विरुद्ध कार्य किया गया। जगमोहन जी को धमकियां मिली बैक टू बैक और इनको काम नहीं करने दिया गया जैसा इनको करना था। पाकिस्तान ने पूरा सपोर्ट करके यहाँ पर एक फ्रंट बनाया, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट, कि सारे मुस्लिम एक हो जाओ और एक यूनाइटेड फ्रंट बना दो। और 1997 के चुनाव में ये उतर गए, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट 1997 के चुनाव में उतर गया, और ये इस चुनाव में पूरी तरफ से बैकअप, इसको अच्छा मजबूत बैकअप पाकिस्तान से मिला हुआ था। तो इससे क्या करा कि इसने सामने आकर सारी चीज़ें रखी और बिल्कुल भड़काऊ तरीके से कि हम इस तरह से करेंगे, इस तरह से करेंगे, और हालात थोड़े से बदल दिए। अब क्या था, आगे जाकर ये MUF के जो नेता थे ये बहुत बड़े आतंकवादी भी बने, और क्योंकि ये थे आतंकवादी, इनको तैयार ही इसी तरह से किया गया था और इनको नेता भी ऐसे ही बनाया गया था। फिर जो ये फारूक अब्दुल्ला हैं तो ये सारी चीज़ें पुरानी भूल भाल के और अपने हिसाब से, फिर ये तो CM बन के उनका लाभ उठाकर, इनको केवल CM बनने से मतलब था, जनता कहीं जाए कोई जाए भाड़ में जाए, इनको कोई मतलब नहीं था, चाहे कोई कश्मीरी पंडितों को परेशान करे, चाहे किसी हिंदू को परेशान करे, इनको कोई मतलब नहीं था। ये तो सारी चीज़ें कर कर आके और ये मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। कि ये जो 1997 का इलेक्शन था तो इसमें ही इसने क्या किया, फारूक अब्दुल्ला ने गवर्नमेंट के साथ मिलकर बहुत जगह वोटिंग में गड़बड़ी करी, वोटिंग में गड़बड़ी करी। वोटिंग में क्या गड़बड़ी करी कि इन्होंने जो इनका बाहुल्य क्षेत्र था जहां लग रहा था इनके लीडर जीतने वाले हैं, तो वहां पर फारूक अब्दुल्ला ने तुरंत रिजल्ट निकाल दिया, और जहां पर इनका कम लोग जीतने के चांस थी और जिनके MUF के जीतने के चांस थे, तो वहाँ पर बहुत टाइम लगा। और कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स ने भी कह दिया कि इसमें जो चुनावी है, इसमें चुनावी टोटल है, मतलब इसकी गणना है, इसमें दिक्कत हुई है। कर्मचारियों ने भी कहा कि हर जगह गड़बड़ी हुई है, इसमें घपला हुआ है। तो इस तरह से फारूक अब्दुल्ला के बजाय सिंपैथी आम जनता की सेपरेटिस्ट के साथ में हो गई, और ये एक अलग ही माहौल बन गया। सेपरेटिस्ट को हर जगह आम जनता सिंपैथी से देखने लगी और फारूक अब्दुल्ला को ऐसे देखने लगी। अब इससे नुकसान क्या हुआ कि सेपरेटिस्ट फिर ज्यादा पावर में आ गए, क्योंकि उनको आम जन का सहयोग समर्थन फिर ज्यादा मिल गया, और ये ज्यादा मिलना फिर से एक कश्मीरी पंडितों के लिए एक ज्यादा चिंता की विषय था, क्योंकि ये आतंकवादी और सेपरेटिस्ट हैं इनको, और फिर पाकिस्तान से इनको लगातार सप्लाइयां मिल रही थी। ये ना तो आर्मी को छोड़ते थे, ना किसी और को छोड़ने लगे थे, आर्मी की भी ट्रक के ट्रक उड़ा देते थे तो आर्मी वाले भी मारे जाते थे, और सेपरेटिस्ट बहुत ज्यादा संख्या में हो गए यहाँ पर। ये लोग इतने खतरनाक थे कि ये क्या करते थे कि अगर कोई इंडिया के साथ में रहने की बात भी करता है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे उनकी टीम का आदमी हो, चाहे उनका बहुत अच्छा आदमी हो जो उनके लिए हर कुछ कर रहा है, तो वो उसको भी मारते थे। वहां पर पंडितों की संख्या तो बहुत कम थी,
तो ऐसी स्थिति में वो मुस्लिमों को भी मारते थे जो उनके खिलाफ इस तरह की कार्यवाहियां करते थे, उनको भी मारते थे, उनको नहीं छोड़ते थे। तो जबरन वहां की मुस्लिम कम्युनिटी केवल और केवल उनके हिसाब से चलने लगी और उनसे डरने लगी और उनका साथ देने लगी। जो साथ देता था उसको वो बहुत अच्छे से रहने देते थे, उसकी सिक्योरिटी करते थे, उसके हर चीज़ों का ध्यान रखते थे, और जो साथ नहीं देता था उनके लोगों को मरवा देते थे। अब ऐसी स्थितियाँ बहुत ही खराब होने लगी कि पाकिस्तान, इंडिया में पाकिस्तान जैसा माहौल हो गया, पाकिस्तान से भी बदतर हो गया। और ये पैसा कौन दे रहा था? सारा पाकिस्तान करवा रहा था कि भाई यहाँ से। और पाकिस्तान तो अभी भी अपना, क्योंकि वो तो चाहता है कि कश्मीर के लोग वहाँ के अगर अलग हो जाएं तो मेरे को मज़ा ही आ जाए और कश्मीरियों को मैं ले लूँ और कश्मीर मेरा हो जाए। और वो पाकिस्तान की ये हमेशा रणनीति रही थी। अब तो स्थितियां बदल गई हैं कि अब पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता लेने की। लेने की तो बात छोड़ो, वो अपनी बाउंड्री भी चेंज करने की नहीं सोच सकता। उसको तो डर इस बात का है कि पाकिस्तान का कितना क्षेत्र अब इंडिया वापस लेगा, तो ये इस चीज़ का डर सता रहा है उसको तो। और पाकिस्तान ने एक और चाल चली थी कि इन्होंने क्या किया था, JKLF पहले बनाया था, उनको कहा था कि आप लोग आज़ादी के लिए लड़ो, इंडिया से अलग होने के लिए वो करो, तो उनके ऊपर अंदर एक भावना क्रिएट कर दी कि कश्मीर एक अलग देश बन जाएगा, और उनको फंडिंग करी। फंडिंग किसने करी? पाकिस्तान ने करी। पाकिस्तान ने क्यों करी? इसके पीछे कारण ये था कि ये जब अलग होने के लिए तैयार हो जाएंगे और ये एक इनका एक बहुत बड़ा गुट बन जाएगा, उसके बाद में इन्होंने इसको पैसा देना बंद कर दिया JKLF को, और इसको लात मार के भगा दिया। और दूसरा ग्रुप हिजबुल मुजाहिदीन जो केवल और केवल पाकिस्तान के साथ रहने की बात करता था, उसको इन्होंने एक्टिव कर दिया और उसको खूब पैसा देने लग गए, जिससे जो JKLF के लोग थे उनकी आदत हो गई थी कि इस तरह से सेपरेटिस्ट की एक्टिविटी करना और वो सारी चीज़ें करना। तो वो सब किसके साथ होने लगे? अब हिजबुल मुजाहिदीन के साथ होने लग गए। अब हिजबुल मुजाहिदीन एक्टिव हो गया, JKLF कमज़ोर पड़ गया, क्योंकि वो केवल अलगाववाद की बात करता था, पाकिस्तान के साथ जाने नहीं जाने की बात करता था। अब ये सारा कुछ खेल किसने किया? पाकिस्तान ने किया। और हमारे इंडिया वाले इसको बिल्कुल होते हुए देखते रहे। इंडिया की केंद्रीय सरकार है इसको होते हुए देखती रही, इनको सब कुछ पता था कि क्या क्या चल रहा है, क्या क्या हो रहा है, लेकिन इन्होंने किसी ने कुछ रोका नहीं। और केवल वोट बैंक और राजनीति को लेकर अपनी बातें करते रहे, और ये बहुत बड़ा कश्मीरियों के लिए एक बहुत बड़ा हतोत्साहित करने वाली चीजें थी। तो कश्मीर के जो पंडित थे वो वन बाई वन, एक एक करके कुछ लोग अपने रिश्तेदारों के साथ दिल्ली में सेटल हो गए, कुछ पंजाब में सेटल हो गए, जहाँ भी इंडिया में उनको जगह मिल रही थी, लेकिन वो अपना घर छोड़कर भाग रहे थे, क्योंकि उनको मजबूर किया जा रहा था। उनके पास खाने के लिए साधन नहीं थे, वो बाहर मार्केट में से सामान नहीं ला सकते थे, क्योंकि दुकानें भी मुस्लिम की हुआ करती थी, सब्जी की दुकानें मुस्लिम की हुआ करती थी। उनको मजबूर किया जाता था कि आप नॉनवेज खाइए, अगर जीना है तो आप मांस और ये सब खाइए, तभी आप जी सकते हैं, नहीं तो आपको मरना पड़ेगा। इस तरह की चीज़ें इन्होंने क्रिएट करी, मुस्लिमों ने क्रिएट करी वहाँ पर सेपरेटिस्टों ने। और सेपरेटिस्ट किसके द्वारा फंडिंग की जाती थी? इनको फंडिंग की जाती थी पाकिस्तान। और हद तो जब हो गई कि वहाँ के जो रेपुटेड पंडित थे उनकी एक हिट लिस्ट बनाई गई, हिट लिस्ट में सारे पंडितों का बनाया गया कि इन इनको मारा जाएगा। और ये जो आतंकवादी थे, जो सेपरेटिस्ट थे, ये रोडों पर घूमने लग गए अपना मास्क पहनकर, और ये रोडों पर घूमते थे कि फोटो सेवन लेकर, और वहाँ की पुलिस है वो उनको देखकर छुप जाया करती थी, इतना भयंकर भय था। जिससे क्या होता था कि चारों तरफ पंडितों की हालत खराब थी, हर कोई लिस्ट बना देता और लिस्ट के अनुसार बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक वो लोग मारे भी जा रहे थे। जब जनवरी 1997 की बात करें तो उस वक्त इतना भयंकर हुआ कि एक ही रात में इतनी एक्टिविटी हुई कि जो लिस्ट बनाई गई थी उसके हिसाब से बैक टू बैक उनके घरों में जाकर सोते हुए लोगों को उठाकर उनको गोली मार दी गई। और उनको इस तरह से मजबूर किया गया कि पूरी घाटी खाली करने के लिए इन्होंने मस्जिद से, अलसफा अखबार से, सब जगह से इन्होंने सूचनाएं छपवाई, और सूचना छपका कर कि आप घाटी को खाली कर दें और कश्मीर हमारा है, इसको छोड़ दें कश्मीरी पंडित। तो इनको छोड़ने पर मजबूर किया गया। तो ज़्यादातर बचे हुए थे, बहुत सारे मारे गए थे, और जो बचे हुए थे वो चुपचाप बिना किसी के अपना सामान और जवाहरात बिना लिए ही निकल लिए थे।
ये जो 19 जनवरी की रात है ये तो बिल्कुल ही भयानक थी। ये बैक टू बैक घाटी में मर्डर, रेप और सारी घटनाएं, जितनी भी दरिंदगी के काम होने थे वो 19 जनवरी को हुए, और बैक टू बैक इतने सारे लोग मारे गए। जितनी हैवानियत इनको करनी थी, एक ही घर में लोगों को बांध कर उनके सामने ही इन्होंने हैवानियत का कार्य किया। दूसरा, गोलियां चलाई, AK-47 से मारा, और इतना भयंकर तरीके से एक ही रात में पूरी घाटी खाली करवा दी। इस तरह से इन्होंने दरिंदगी की, जहां बाहुल्य केवल और केवल कश्मीरी पंडितों का था, और वो घाटी खाली करके चले गए। वो सोच रहे थे कि 2-4 हफ्ते में ये हालात थोड़े काबू हो जाएंगे और वो वापस टेंट से अपने घर वापस चले जाएंगे, लेकिन वो हालात कभी वापस नहीं आए। कश्मीरी पंडित जो टेंट में जाकर रहने लगे थे, कि किसी के पास थोड़ा बहुत पैसा था, अपने रिश्तेदार के साथ कहीं दूसरी जगह सेटल हो गया, या फिर कहीं कुछ उसने कर लिया, और जो नहीं था वो टेंट में आज भी रहने पे मजबूत मजबूर हैं। 30 साल हो गए उनको, कितना हो गया, 30 साल हो गए। 30 साल से वो टेंट में रह रहे हैं और अपने घर को याद करते हैं। सोचिए, अपन घर में जहाँ पले बड़े हैं और वो सारा हुआ है, और वहाँ छोटे छोटे थे तब खेलते थे और वो सब करते थे, वो घर की हालत इतनी, मतलब वहाँ जा नहीं सकते, अपने खेतों को नहीं संभाल सकते, अपने पुरखों से चली आई ज़मीनें जिनमें वो सेब के बागान लगाया करते थे, या फिर और दूसरी खेती किया करते थे, अपने ये कश्मीर वाली जो केसर होती है उसकी खेती किया करते थे। बहुत सारी सारी चीज़ें उनकी याददाश्त है। 30 साल से वो जा नहीं पा रहे हैं, अब उनके बच्चे भी वहीं पलने बढ़ना शुरू हो गए हैं, टेंट में ही उन्होंने उनका जीवन चलने लग गया है, उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। आज भी उनकी हालत वही ख़राब है जो पहले थी। अब इनका सॉल्यूशन होना बहुत ज़रूरी है। अब बीजेपी की गवर्नमेंट आने के बाद में ये स्थितियां थोड़ी बदली हैं और कश्मीरी पंडितों के साथ में अच्छा बर्ताव किया जाने लगा है। बेचारे कश्मीरी पंडितों की हालत ख़राब है, वो वहीं रहते हैं टेंट में ही, और अपना जीवन यापन वहीं कर रहे हैं, उनका कुछ कोई सुनने वाला नहीं है। अब थोड़ा सा चीज़ें थोड़ी बेहतरीन होने लगी हैं, और इस तरह का हमारे देश में इंसिडेंट बहुत कम देखने को मिलते हैं, जहाँ इतना भयंकर तरीके से अत्याचार किसी कौम के साथ में हुआ, तो वो कश्मीरी पंडित हैं। और ये हिंदू पर अत्याचार का बहुत बड़ा एक नमूना है, जिस पर एक पिक्चर भी बनी, फिल्म भी बनी, और लोग उसकी सराहना भी करी है लोगों ने। तो इस तरह से ये था आपका हिंदू एक्सोडस, कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस, इनका बाहर निकालने का जेनोसाइड, आप इसको कुछ भी शब्द यूज कर सकते हैं। ये बद से बदतर था, इस तरह का नहीं होना चाहिए। किसी एक कम्युनिटी को इतना बढ़ावा नहीं देना चाहिए, दूसरों का कदर की जानी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।